बात हमको बताया गया था, EMPW ने बताया था रिगार्डिंग महाराजा वीर विक्रम, कि जब मेरा नाती मरने के टाइम, जब मेरा नाती वापस आएगा तो उसको खाली हाथ मत भेजना, मैं आया हूं, खाली हाथ आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका थानसा मांगता हूं। अगर आपका थानसा है ना, तो खुद ब खुद टीपरासा को कुछ मिलेगा, अगर आपका थानसा नहीं है ना, तो बांट बांट के डिवाइड एंड रूल करके टीपरासा को जो 70 साल से नीचे रखा गया वो चलते रहेगा। मैं आपको आज 14 अक्टूबर यहां में वीर विक्रम जमतिया का परिवार है, यहां में श्यामा बाबू का परिवार है, यहां में नागेंद्र जमतिया का परिवार है, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं बेलाई बेलाई नो हम भाई, क्योंकि आज श्यामा बाबू नागेंद्र बाबू वीर विक्रम यहां में नहीं है, लेकिन आप यहां आए, इस प्रोग्राम में आए, आपने ये प्रोग्राम को और बड़ा किया, बुबागर आने से ये प्रोग्राम बड़ा नहीं हुआ, आप लोग यहां में है इसके लिए ये प्रोग्राम बड़ा हुआ। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग उस परिवार का है, उस खून का है जिसने त्रिपुरा को बहुत दिया, त्रिपुरासा को बहुत दिया, आज आप उसी श्यामा बाबू नागेंद्र बाबू और वीर विक्रम का सिद्धांत में चलो, 3 महीना एक संग रहो, हम लोग इस बार फाइट करके अपना त्रिपुरासा को अपना हार अपना राज्य वापस देके रहेगा, ये बार कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कभी कभी मुझे बहुत अकेला लगता है, रहता हूं राजबाड़ी में, इतना बड़ा राजबाड़ी, बुबाकरा अकेला, बहन नहीं, मां नहीं, कलकत्ता में राजमाता, मैं अकेला, ना शादी हुआ ना परिवार, मैं अकेला रहता हूं राजबाड़ी में, मैं फाइट कर रहा हूं अकेला आपके लिए, आराम से मैं कहीं में भी रह सकता हूं, दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में, अमेरिका में मैं रह सकता हूं, कभी भी मैं अगरतला में राजबाड़ी में अकेला बैठ के आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, फाइट कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं क्यों कर रहा हूं ये, मैं किसके लिए ये कर रहा हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए, ये सम्मान पोस्ट से नहीं मिलेगा, ये सम्मान आपका दिल में जो प्यार है वो बागरा उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे कभी कभी बहुत अकेला लगता है, मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं यहां, मैं इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब मुझे प्लीज सपोर्ट करो, मेरा रक्षा पुलिस नहीं कर सकता है, मेरा सुरक्षा CRPF नहीं कर सकता है, मेरा सुरक्षा आपका टीपरासा टीपराचक, आप लोग मुझे सुरक्षा करो, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करो, ये जो प्रेशर मेरे ऊपर आया गया है, कॉम्प्रोमाइज करो, अलायंस करो, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग एक रहो, आप लोग एक रहो, मैं जाके फाइट करके हम लोग सब ऑल ऑफ अस विल फाइट टुगेदर और हम लोग अपना टीपरासा को अपना अधिकार देंगे। डोंट फॉरगेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज अ फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड अ एग्जिस्टेंस, दिस इज नॉट अ फाइट टू बिकम अ PWD, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MP, वो फाइट नहीं चाहिए हमको, हमको 5 आदमी को मंत्री नहीं बनाना है, हमको 6 आदमी को मंत्री नहीं बनाना है, हमको 13 लाख को कुछ देना है, जैसे श्यामा बाबू ने दिया, जैसे नागेंद्र बाबू ने फाइट किया, जैसे वीर विक्रम ने अपना जिंदगी को दिया। तो अगर ये लोग 1967 में, 1980 में, 1984 में टीपरासा के लिए फाइट कर सकता था, तो आज 2022 में, 2023 में टीपरासा का खून के अंदर क्या कमी है कि हम लोग अपना टीपरासा के लिए फाइट नहीं कर सकता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, ये स्पीच
ये भाषण पॉलिटिक्स का नहीं है, ये फाइट हमारा भविष्य का है, ये फाइट हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है, ये फाइट हमारा, हम तो तिपरासा का पेट में गांव में आप जाके देख के आओ, खाना नहीं है खाने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है, रास्ता में रास्ता टूटा हुआ है, बिजली नहीं आता है, स्कूल में टीचर नहीं है, चिंतू बाबू एजुकेशन मिनिस्टर है, पैसा नहीं है, एडीसी में पैसा मांगने के लिए भीख मांगना पड़ता है अगरतला में, हम लोग त्रिपुरा का राजा यहां का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना चुनाव में अपना अधिकार मांगने के लिए, तो कितना साल तक और चुप बैठे, कितना साल तक कॉम्प्रोमाइज करे, कितना साल तक हम लोग अपना त्रिपुरा साहब को धोखा देकर अपना मंत्री अपना घर बनाए। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार सिर्फ एक बार, 3 महीना बाकी है, ये बार फाइट करके पूरा इंडिया को दिखाओ कि पुगल वाला लोग और अकेला नहीं बैठेगा। अगर आप लोग है ना तो मुबारक, कुछ नहीं चाहिए, अगर आशीर्वाद श्यामा बाबू का है, नगेंद्र जमतिया का है, वीर विक्रम का आशीर्वाद है ना, अगर द्रव कुमार रियान का प्यार है ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। खानसा बोलने में सिर्फ 5 शब्द है, 6 शब्द है, थानसा मुनखात पुंखना, लेकिन अगर सच में थानसा हो गया ना, पूरा दुनिया को हिला सकता है ये थानसा। जो लोग मेरे भाषण को पसंद नहीं करते हैं ना, वो बुबागरा का संग उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जाति को एक नहीं होना चाहता है। यहां में सब लोग हैं, मेवाड़ आईपीएफटी से आया है फाई का हम, कोई सीपीएम से आता फाई का हम, कोई बीजेपी से आता फाई का हम, कोई आईएनपी टीएसपी टीपीएफ फाई का हम, लाम सगो, ये फाइट अब पार्टी का नहीं, ये फाइट अब जाति का है। आपको भी अपना दिमाग में माइंड में मेकअप करना है कि आपको जाति के लिए फाइट करना है कि आपको पार्टी के लिए फाइट करना है। बुबागरा ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, नो कॉम्प्रोमाइज। वंस अगेन आई थैंक द फैमिलीज ऑफ श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया, वीर विक्रम जमतिया, आप लोग यहां में आए, उनके वाइफ, उनके डॉटर्स, चिल्ड्रेन, सन, एक्सटेंडेड फैमिली, आप लोग आए, उनका बड़ा भाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन पीपरा लैंड मिलेगा ना, तीनों का 50-50 फुट का मूर्ति बनाकर यहां में और अगरतला का बीच में लगा के मैं दिखाऊंगा, ये है पीपरा लैंड, ये है ग्रेटर पीपरा लैंड। आप लोग भूलिए मत, आप लोग उस परिवार से आते हैं जिसने बहुत दिया है त्रिपुरा को, और आज जो हमने आपको दिया है ना, वो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको सम्मान देने के लिए, उनका आत्मा को थोड़ा शांति देने के लिए, दैट इज ऑल वी वांटेड। दुख लगता है कि इससे पहले किसी ने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनाया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनाते बिल्डिंग बनाते रहा, लेकिन अपना लोगों को इज्जत नहीं दिया। आज टिपरा मोथा आया है, टिपरा मोथा पार्टी से पहले एक मूवमेंट है फॉर टिपरा लैंड, वो मत भूलो। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है, आप अपने बच्चे को एक बार आंख में देखकर, अपना बीवी को आंख में एक बार देखकर पूछो, क्या चाहिए, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस या शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रन, आपको जवाब अपना टिपरासा का, गरीब टिपरासा का आंख में मिल जाएगा। जो भूखा टिपरासा है ना, उसमें आंख मिला के एक बार देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा टिपरासा क्या चाहता है। टिपरासा रेडी है, टिपरासा इस बार रेडी है, और इस बार टिपरासा को पूरा इंडिया देखेगा। बुबागरा मर जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बेलाई ना हम भाई खुलुखा, थैंक यू। बेलाई बेलाई हम भाई सिने बुबागरा ना बेलाई ना।